मॉर्निंग, आज हम आप लोगों को बताएंगे पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है या पशुओं की उम्र ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो पशुओं की उम्र आंकना एक जजिंग ऑफ कैटल, पशुओं की उम्र ज्ञात करने की पांच विधियां हैं। पहली विधि है अभिलेखों द्वारा। अभिलेखों द्वारा बाय रिकॉर्ड अधिकतर पशुओं की उम्र ज्ञात करने की यह विधि बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर ही अपनाई जाती है। सामान्यतः देहातों में या अन्य पशुपालक पशुओं का अभिलेख नहीं रखते। अभिलेखों द्वारा मतलब कि जैसे हमारी गाय है या भैंस है वो कब बच्चा दे रही है, कितने दिनों की हो गई है, ये सब आंकड़े रजिस्टर में नोट किए जाते हैं। तो यह विधि बड़े बड़े डेयरी फार्मों तक ही सीमित है। सामान्यतः इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है न तो किया जाता है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो यह विधि यदि किसी भी डेयरी फार्म पर या किसी भी पशुपालक द्वारा अपनाई जाती है तो बहुत ही सही मानी जाती है। पशुओं की उम्र ज्ञात करने की दूसरी विधि है सामान्य आकृति देखकर। सामान्य आकृति देखकर, सामान्य आकृति देखकर जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस जनरल अपीयरेंस वही बॉडी। यह विधि एक तरह से हमारे भारत के गांव में सामान्य पशुपालक सबसे अधिक प्रयोग करता है। किसी भी पशु गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली सभी की उम्र ज्ञात करने के लिए पशुपालक या आदमी उसकी आंखें शरीर को देख करके ही अनुमान लगा लेता है कि ये कितने दिनों का होगा। यदि मान लीजिए पशु के कान छोटे हैं, उसकी त्वचा गठी हुई ढीली है तो ये माना जाता है कि पशु कम उम्र का होगा, लेकिन अच्छी खिलाई पिलाई यदि पशु की हो रही है तो सामान्य आकृति देखकर पशु की उम्र का सही सही ज्ञान हम नहीं लगा सकते। पताया विधि भी एक तरह से सही नहीं है। पशुओं की उम्र ज्ञात करने की तीसरी विधि है खुरों द्वारा। खुरों द्वारा बाई होप्स, खुरों द्वारा पशुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि सामान्य पशुपालक या ग्रामीण व्यक्ति पशुओं के खुरों से अनुमान लगा लेता है। ये मान लीजिए कि पशु के खुर चमकीले हैं तो या छोटे हैं, ये माना जाता है कि पशु कम उम्र का होगा। और यदि पशुओं के खुर भद्दे हैं बढ़े हुए हैं तो ये माना जाता है कि पशुओं की उम्र अधिक हो गई है। लेकिन जो पशु अधिकतर चारागाह में पर्डे छोड़े जाते हैं उनमें हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रतिदिन चारागाह में जाने वाले पशुओं के खुर अधिकतर घिस करके छोटे हो जाते हैं। तो एक तरह से यह विधि भी सही नहीं है। पशुओं की उम्र ज्ञात करने की चौथी विधि है सींगों द्वारा। सींगों द्वारा बाई हॉर्न्स, बाई हॉर्न्स सामान्यतः देहातों में अमूमन ग्रामीण पशुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए इसी
यदि पशुपालक ये देख लेता है कि पशुओं की सींग मोटी है छोटी है तो ये माना जाता है कि कम उम्र का पशु है। वे पशुओं की सींग बड़ी हो गई है, अधिक मोटी हो गई है और उससे कई छल्ले बन गए हैं तो ये माना जाता है पशुओं की उम्र ज़्यादा हो गई है। सींगों द्वारा पशुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि यदि गाय है और उसकी सींग पर एक छल्ला बना है तो उसमें ढाई की संख्या जोड़ देते हैं वो ज्ञात हो जाएगी पशुओं की उम्र कितनी है, छलों की संख्या। मान लीजिए गाय के सींग पर एक छल्ला बना हुआ है तो उसमें हम ढाई जोड़ देंगे वो 3.5 हो जाएगी, अर्थात गाय की उम्र 3 से 4 वर्ष के बीच है। और यदि गाय की सींग पर 2 छल्ले या 3 छल्ले हैं तो उसमें हम ढाई जोड़ देंगे तो गाय की वो उम्र हो जाएगी। अमूमन गाय में भी छल्ले स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते। भैंस पशु में छलों की संख्या यदि भैंस है और उसकी सींग पर 2 छल्ले 3 छल्ले बने हुए हैं तो उसमें हम 3.5 जोड़ देते हैं। यदि मान लीजिए भैंस की सींग पर 1 छल्ला बना हुआ है तो उसमें हम 3.5 जोड़ देंगे तो अर्थात 4.5 आ जाएगा, मतलब उस भैंस की उम्र 4 से 5 वर्ष के बीच है। यह विधि भी तभी तक एक तरह से संभव है यदि उसकी सींग पर छल्ले स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, अन्यथा यह विधि भी सही नहीं है। पशुओं की उम्र ज्ञात करने की 5वीं और अंतिम विधि है दांतों द्वारा बाई टीथ। दांतों द्वारा पशुओं की उम्र ज्ञात करने की एक तरह से सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अधिकतर पशुपालक या डेयरी बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर इसी विधि का ही प्रयोग किया जाता है। दांतों द्वारा पशुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं पशुओं के मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला दांत है कृंतक दंत। कृंतक दंत इंसिसर टीथ। कृंतक दंत भी 4 प्रकार के होते हैं जिससे कि पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। ये दांत पशुओं के निचले जबड़े में ही पाए जाते हैं, निचले जबड़े में, और वो भी अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के होते हैं। निचले जबड़े में पहले पशुओं के जन्म के समय, यदि मान लीजिए गाय या भैंस का बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय ही निचले जबड़े में उसके 2 दांत पाए जाते हैं। जन्म के 1 सप्ताह बाद 2 दांत और जमाते हैं, कृंतक दंत ही होते हैं जिसे कि मिडिल इंसिसर मध्यवर्ती कृंतक दंत भी कहते हैं। तो दूसरे सप्ताह में 4 दांत हो जाएंगे, तीसरे सप्ताह में पार्श्विक कृंतक दंत लेटरल टीथ पशुओं के मिला के 6 दांत हो जाएंगे निचले जबड़े में, और चौथे सप्ताह अर्थात महीने के लास्ट में कुल कृंतक दंत की संख्या 8 हो जाती है और 6 माह की उम्र तक ये सभी दांत पूर्ण रूप से एक बराबर
पौने दो वर्ष की उम्र में ये कीर्तन दल भीस जाते हैं तथा टूट जाते हैं और उनकी जगह पर दो वर्ष की उम्र होते होते दूसरे दो कीर्तन निकल आते हैं। तो ये सेंट्रल इंसिसर टीथ होते हैं। सेंट्रल इंसिसर टीथ दो वर्ष की उम्र में निकल आएंगे, पुनः तीन वर्ष या पौने तीन वर्ष की उम्र में मिडिल इंसिसर मध्यवर्ती कृंतक दल घिस करके टूट जाएंगे और दो वर्ष की उम्र में उनके स्थान पर अस्थायी रूप से मिडिल इंसिसर मध्यवर्ती कृंतक दल निकल आते हैं। उसके बाद पौने चार वर्ष की उम्र में पार्श्वी कृंतक दल दो की संख्या में जो होते हैं वो टूट जा घिस करके टूट जाते हैं और चार वर्ष की उम्र होते होते उनके स्थान पर दो अस्थाई पार्श्वी कृंतक दल निकल आते हैं। पौने पांच वर्ष की उम्र में कृंतक दंत की चौथी जोड़ी अर्थात सातवें और आठवें नंबर का दांत घिस करके टूट जाता है और उनके स्थान पर पांच वर्ष की उम्र होते होते दो कृंतक दंत निकल आते हैं। पशुओं का जबड़ा पूरी तरह से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। इस तरह से सात वर्ष की उम्र में पशुओं के ये कृंतक दंत जो कि सेंट्रल केंद्रीय कृंतक दंत कहलाते हैं घिसना शुरू कर देते हैं। आठ वर्ष की उम्र हो जाने पर मध्यवर्ती कृंतक दंत घिसना शुरू कर देते हैं तथा नौ वर्ष की उम्र होने पर पार्श्वी कृंतक दंत घिसना शुरू कर देते हैं तथा दस वर्ष की उम्र होने पर कृंतक दंत की चौथी जोड़ी घिसकर टूट जाती है और उसके स्थान पर दो दांत निकल आते हैं। 12 वर्ष की उम्र में ये दांत पूरी तरह से एक दूसरे से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं या प्रतीत होते हैं। अमूमन पशुओं की उम्र 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की होती है। तो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में पशुओं के निचले जबड़े के एक कृंतक दंत पूरी तरह से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। अब इसके बाद कृंतक दांतों की दूसरी जोड़ी है कील दंत। कील दंत या कील दंत कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ, ये दांत सामान्यतः गाय भैंस या जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते। कैनाइन टीथ प्रमुखता कुत्ता बिल्ली से या चीड़ फाड़ करने वाले पशुओं में ही पाए जाते हैं। जो पशु चीड़ फाड़ करते हैं ना भोजन या मांसाहारी पशुओं में ही कैनाइन टीथ पाए जाते हैं। तीसरा दांत है जो कि गाय भैंस पशुओं में पाए जाते हैं वो है अग्रदार। अग्रदार प्रीमोलर टीथ इनकी भी संख्या 12 होती है जो कि सामान्यतः अस्थायी रूप से ही निकलते हैं और इनकी तीन जोड़ी पाई जाती है अर्थात एक जोड़ी में कुल चार दांत होते हैं। तो ये दांत भी पशुओं में एक माह की उम्र में निकल आते हैं तथा दो वर्ष ढाई वर्ष और तीन वर्ष की उम्र होते होते पूरी तरह से घिस करके टूट जाते हैं। चौथा दांत जो कि पशुओं में है पाया जाता है वो है पश्चदार। पश्चदार मोलर टीथ, मोलर टीथ इनकी भी
संख्या पशुओं में 12 होती है जो कि अस्थायी रूप से ही निकलते हैं और इनकी संख्या कुल मिलाकर के 12 होती है तथा इनकी 3 जोड़ी पाई जाती है। प्रत्येक जोड़ी में इनकी संख्या 4 होती है। तो पशुओं की उम्र ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। पहली है अभिलेखों द्वारा सामान्य आकृति देखकर, दूसरा अगला है खुरों द्वारा, तीसरा सींगों द्वारा, चौथा दांतों द्वारा। यह विधि एक तरह से सर्वमान्य विधि है। ठीक है बच्चों।